टीवी इंडस्ट्री में आए दिन नए नए चेहरे देखने को मिलते रहते हैं, उन्हीं में से एक है टीवी इंडस्ट्री के बाल कलाकार। ये बाल कलाकार भी आए दिन अपनी अदाकारी से सबको हैरान कर देते हैं। वेल, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बाल कलाकारों की जो अब काफी बदल गए हैं और आज टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन पर नाम आता है अनन्या अग्रवाल का। स्टार प्लस के शो सिया के राम में माता सीता के बचपन का किरदार निभाने वाली चाल डॉक्टर अनन्या अग्रवाल थी, जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बनाया। इस सीरियल के बाद उन्होंने दिया और बात ही हम जैसे कई सीरियल्स में काम किया। तो वहीं बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री आज बहुत ज्यादा बदल गई हैं। बता दें कि अनन्या 16 साल की हैं और बेहद सुंदर भी दिखाई देती हैं। फिलहाल एक्ट्रेस स्टार प्लस के शो लॉकडाउन वाली लव स्टोरी की शूटिंग में काफी बिजी हैं। नंबर दो पर नाम आता है अमृता मुखर्जी का। सोनी टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर का किरदार आपको याद होगा और साक्षी की बेटी पीहू, जिसने अपनी मासूमियत से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। इस किरदार को अमृता मुखर्जी ने काफी छोटी उम्र में निभाया था और आज एक्ट्रेस 16 साल की हो गई हैं और आज भी बहुत प्यारी लगती है। वल, अपनी पढ़ाई में बिजी अमृता ने अब टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। नंबर तीन पर नाम आता है आशिका भाटिया का। साल 2009 में अमेजन टीवी पर सीरियल मीरा में अभिनेत्री आशिका भाटिया ने मीरा की भूमिका निभाई थी और उस समय वो केवल 9 साल के थे, पर उन्होंने इस किरदार को काफी खूबसूरती से निभाया था। इस शो के बाद उन्होंने सोनी टीवी के शो परवरिश में भी काम किया और इस शो के बाद आशिका को बॉलीवुड फिल्म प्रेम रतन धनपावा में भी देखा गया। इसके बाद एक्ट्रेस को म्यूजिक एल्बम्स में भी देखा गया। वह आजकल एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर आए दिन अपनी बोल तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। नंबर चार पर नाम आता है अनुष्का सेन का। सोनी सब के शो बालवीर में मेहर का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री अनुष्का सेन ने अपनी मासूमियत से सबको अपना दीवाना बनाया, फिर भी उस समय वो केवल 10 साल की थी। उन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया। इसके बाद उन्होंने झांसी की रानी और इंटरनेट वाला लव जैसे शोज में भी काम किया और क्रेजी कुकर फैमिली से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। लेकिन एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री आज बहुत ज्यादा बदल गई हैं। आज अनुष्का 17 साल की हो गई हैं, पहले से काफी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश भी नजर आती हैं और आजकल एक्ट्रेस म्यूजिक वीडियोज और एल्बम्स में भी नजर आने लगी हैं। नंबर पांच पर नाम आता है चाल डॉक्टर तुनिशा शर्मा का। सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में राजकुमारी अहंकारा का किरदार आपको याद होगा। बता दें कि महज 12 साल की उम्र में तुनिशा शर्मा ने उस किरदार को निभाया था और इस किरदार से बहुत मशहूर भी हुई, जिसके बाद उन्होंने गब्बर पूंछ वाला प्ले भी किया। फिल्म फितूर से तुनिशा ने बॉलीवुड में भी कदम रखा, उसके बाद बार बार देखो, कहानी टू जैसी फिल्में भी की। लेकिन एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली ये अभिनेत्री पहले की तुलना में आज काफी बदल गई हैं। आज तुनिशा शर्मा 18 साल की हो गई हैं और बहुत सुंदर दिखती हैं। फिलहाल तुनिशा सीरियल इश्क सुभानअल्लाह में जारा की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी अभिनेत्री बाल कलाकार के रूप में आपको अच्छी लगी थी और आप उस एक्ट्रेस का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।